लास्ट 12 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है शोर दैट द वेक्टर आई कैप j कैप के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस ox oy एंड oz देखिए कैसे करेंगे हम इसको ए वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड इंक्लाइंड टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड ओनली एंड ओनली ओनली इफ देयर देयर डायरेक्शन को साइंस आर इक्वल क्या कह रहे हो वो इसमें देखिए इक्वल वेअर वेयर आई कैप शोज़ ओ एक्स जी कैप शोज़ ओवाई एंड के कैप शोज ओ जेट क्या कह रहे हैं इसमें कि आई कैप हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस जे कैप क्या शो करता है हमारा ओ वाई यानी आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस ठीक है ये वाई एक्सिस और ये आपका जेट एक्सिस यही मतलब हुआ ना अब देखिए अब वो क्या कह रहा है अगर हम छोटी सी एक फिगर बन चलो फिगर रहने दीजिए इसमें ठीक है थीके? तो इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर इनका इसके डायरेक्शन को साइन इसके डायरेक्शन को साइन और इसका डायरेक्शन को साइन अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला वेक्टर है वो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड पे इक्वली इंक्लाइंड है तो कैसे करेंगे लेट ए इज इक्वल टू आई कैप्लस जे

ठीक है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं पहले डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन को साइंस वेक्टर ए डायरेक्शन को साइंस ए क्या होते हैं ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यही होते हैं जो कि किसके किसके कुल आ जाएंगे वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री एंड वन बाय रूट थ्री ये कैसे आया देखिए वन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ हेयर वी सी हेयर वी सी ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज बाय प्रूफ ठीक है इससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि वो इक्वली इंक्लाइंड समझ आया स्टूडेंट्स बहुत ईजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन